नमस्कार एंड वेलकम टू धर्मा लाइफ। मैं नेहा राजपूत आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रोज का राशिफल। बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा बीतेगा, क्या कुछ होगा आपके साथ खास, क्या उपाय करके आप दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्या आपके लिए लकी होगा अनलकी होगा। लेकिन आज के दिन के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज जो है शनि ग्रह जो है वो वक्री होने वाले हैं अपनी ही राशि में, स्वराशि मकर में। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सभी 12 राशि वालों पे, इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारियाँ चाहिए ग्रहों से जुड़ी हुई, ज्योतिष से जुड़ी हुई, तो जाइए और कॉमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि हर दिन मैं अपने एक लकी व्यूअर के सवाल का जवाब देती हूँ, तो वीडियो के आखिर में आज मैं अपने एक लकी व्यूअर के सवाल का जवाब देने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा कल गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा से जुड़ा हुआ एक खास उपाय भी मैं वीडियो के आखिर में दूंगी, तो आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। वीडियो की शुरुआत करूं, बताऊं आपका राशिफल, उससे पहले जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करेंगे आपके राशिफल की। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है और कैसे आप दिन को और अच्छा बना सकते हैं। बात करते हैं अब मीन राशि वालों की। तो सबसे पहले करियर पे चलते हैं। आज स्टूडेंट्स के लिए दिन कुछ ऐसा है कि आज कहीं जाना पड़ सकता है, चाहे किसी फैमिली फंक्शन में, किसी दोस्त के बर्थडे में, या किसी चीज़ में आज आप कहीं ट्रेवल करने वाले हैं, जाने वाले हैं, चाहे वो छोटी दूरी की ही यात्रा क्यों ना हो। जॉब करने वालों की बात की जाए तो आज के दिन जो है आपको कहीं से जॉब ऑप्शन मिल सकता है, या कोई आपको आज अपने पैसों को कैसे बढ़ाना है, इनकम को कैसे बढ़ाना है, इसके अच्छे सजेशन आपको अपने वर्क प्लेस पर देने वाला है। व्यापारियों की बात की जाए तो आज के दिन जो है आप अपने लीक से हटके, जहां आप बिजनेस कर रहे हैं उससे थोड़ा हटके आज आप काम करने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात कर ले तो जो सिंगल लोग हैं, आज के दिन हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी जो आप किसी से एक्सप्रेस करना चाहते थे, कहना चाहते थे, वो आपकी हो जाएगी। लव पार्टनर की बात की जाए तो आज के दिन जो है आप अपने लव पार्टनर से फर्स्ट हाफ में जो है कुछ ऐसी बात शेयर करेंगे जो आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं की है, यानी अपने सीक्रेट शेयर करने वाले हैं। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज के दिन आप और आपके जो है लाइफ पार्टनर, आपके पति या पत्नी जो है अपने फ्यूचर के बारे में कुछ जो है आप प्लानिंग कर सकते हैं, या अपने घर के लोगों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सीरियस कन्वर्सेशन जो है फर्स्ट हाफ में होने वाला है आप लोगों के बीच। अब चलते हैं गृहस्थी की तरफ। तो गृहिणियों के लिए आज कुछ ऐसा है कि आप हर चीज़ जो प्लान करेंगे उसके अगेंस्ट आपका दिन जाएगा, यानी जो भी चीज़ आप सोचेंगी वो चीज़ हो नहीं पाएगी। जैसे कि अगर आप सोचेंगे कि आज आपको लौकी की सब्जी बनानी है, आप वही नहीं कर पाएंगे, यानी जो भी चीज़ आप सोच रही हैं वो आपकी नहीं होने वाली है। बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो आज का दिन कुछ ऐसा रहेगा कि आज आप जितने अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए चीज़ें करेंगे वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो कोशिश कीजिए हेल्थ को कैसे ठीक करना है ये आप ट्राई करें, और आज आपको किसी से सजेशन भी अपने हेल्थ के लिए मिलने वाला है। पैसों की बात कर लेते हैं तो आज के दिन पैसा उधार पर देने से बचना है आपको। अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। तो मीन राशि वालों को आज का दिन बहुत अच्छा बनाना है, तो कोशिश कीजिए कि 9 साल से छोटी जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको कुछ मीठा खिला दीजिए, आपका दिन बन जाएगा। आपके लिए लकी कलर की बात की जाए तो वो है ऑरेंज, लकी नंबर की बात की जाए तो वो है 3, और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो जाना हमने इस वीडियो में कि आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ आपके साथ खास होने वाला है, और दिन को कैसे आप खास बना सकते हैं। बहुत सारी खास बातें तो हो गई। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में दूंगी अपने लकी व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर, तो सवाल था कि अपने जिसको आप पसंद करते हैं उसको कैसे मनाएं, यानी कि उनको कैसे आप कन्विंस करें। तो प्यार के लिए आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी में शुक्र ग्रह यानी वीनस को खुश करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं या जब भी आप उनसे बात करते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोचते हैं, तो व्हाइट कलर की चीज़ें पसंद कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा। आप रेड भी कर सकते हैं, इसके अलावा माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, ये भी आपको बहुत अच्छा जो है असर दिखाएगा। साथ ही आपका जो भी आप जिसको पसंद करते हैं उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा आप इलायची जरूर खाएं, इलायची से आपका ऑरा भी पॉजिटिव होगा और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये रेमेडी है अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं या फिर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हैं उनको मनाना चाहते हैं। तो जिन भी व्यूअर ने अपना सवाल पूछा था उनको उनका जवाब मिल गया। अगर आपकी लाइफ में भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि हम उसका जवाब आप तक जो है पहुंचाएं, तो आप नीचे जाइए और कमेंट सेक्शन में लिख डालिए अपने सवाल, कल की वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी
गुरु पूर्णिमा है कल, तो आपको मैंने जैसा कहा था कि मैं आपको उसका भी उपाय दूंगी, तो गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। चंद्रमा की जो है, आप चंद्रमा की चांदनी में आप 5 से 10 मिनट बैठिए। जितने भी लोगों को मेंटल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप देखेंगे आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा के बीज मंत्र का आपको जाप ज़रूर करना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये आपके लिए हो गया गुरु पूर्णिमा का उपाय। तो बहुत सारी खास बातें हो गई, मिलेंगे कल। जाने से पहले एक बार फिर से, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है, फटाफट जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर दिन शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ डेली हॉरोस्कोप। मिलती हूँ कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए धर्मा लाइव। नमस्कार।